estar con uno. Ah. El caballo de mí. Al de Zumbar. El salso de mi brother. हे गाइस, तो आप सभी का मैं रानी सतरंगी व्लॉग। तो गाइस, हम ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि मेरी बहन उपनाम है, आपको ये चीज़ पता है। तो मेरी बहन ने एक उपनाम चीज़ सोची है, तो आपको करके दिखाएगी वो। गाइस, गणपति जी ने बनाया उसने इत्तू से, गाइस इत्तू से मान लो इस सूर के बराबर उसने बनाया है। देखो गाइस इतने, और भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो पेंटिंग वेंटिंग लाई है तो आपको दिखाएगी वो कर वर के। तो गाइस आप जाके उसका देखिए। मैं बाय गाइस, उसका जाके देखिए क्या करना। सारे दातन दीन सी सो पाल की पतुलसी से राज। जय जय सत देवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सात नारायण की। यह हमारे पापा का नया स्पीकर, और यह हम लोग कर रहे हैं इसकी पूजा। तो हेलो गाइस, तो आज आपको हम लोग के पे हमारे घर में हुई थी आज की पूजा। हम लोगों ने पूजा की थोड़ी सी वीडियो बनाई है। तो आज अब से हमारे ब्लॉग आएंगे डेली 8 बजे की करीब आएंगे, ऐसे आएंगे। और कहते हैं आपको बताओ होगा, काव्या दीदी गुम कहीं चली गई थी और नहीं मिल रही थी। उनके पापा मम्मी खोज रहे थे। हम लोग ने जैसे हम लोग पूजा कर रहे थे सुबह सुबह, तो उस टाइम पे हम लोग जैसे पूजा ख़त्म हुई तो उसके बाद ना हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ देख रहे, वीडियो देख रहे थे। तो एकदम से काव्या दीदी आ गई, तो एकदम से उनका क्या कहते हैं उनकी वीडियो देखी वो थे। तो उसकी मम्मी, उनकी मम्मी और उनके पापा रो रो के वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग खुद प्रेयर कर रहे थे कि माता रानी काव्या दीदी मिल जाए। फिर उसके बाद खबर आई कि काव्या दीदी ट्रेन में थी, वो कहीं गई हुई, वो भी कहते हैं अपने नाना घर, मतलब नानी घर, वो उधर से चली गई थी जब ट्रेन में थी। तो जैसे क्या कहते हैं थे पुलिस, उनने उनको रोका, पूरी ट्रेन को एकदम रोका। फिर जाके उनको काव्या दीदी को अभी तक उधर ही, उनके मम्मी पापा भी जा रहे उनको लेने, कभी वो बता रहे थे कि टाइम लगता है, इसीलिए वो अभी पहुँचे नहीं हैं बोल रहे थे, क्योंकि हमारे उधर से जहाँ पर वो रहते हैं उनसे बहुत दूर है उनका ट्रेन आउट उधर। और फिर से आज मैं अपने पेंटिंग कलर लेके आई हूँ, अपने पेंटिंग कलर भी करूँगी। अभी मैंने छोटे से खींचने कहते हैं तो बनाए थे ग्रेस जी, उन्होंने छोटे से थे और वो टूटे गए मेरे से, इतने प्यारे बनाए थे टूटे गए छोटे से थे। अब मैं बनाऊँगी मिट्टी के बड़े से, वो आपको पूरी वीडियो दिखाऊँगी कैसे कैसे मैंने लाइनिंग करी, कैसे कैसे पेंटिंग करे, इसीलिए तो लेके आई है ये सब। आपको अब शाम को ब्लॉग आएंगे क्योंकि डेली आएंगे आपकी बार ब्लॉग, हम लोग अब मिस्टेक नहीं करेंगे। मतलब कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते थे, बल्कि आप डेली आएंगे ब्लॉग। वो बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, पेंटिंग करना बहुत अच्छे अच्छे, अब मैं कुछ भी बनाते रहूँगी इनसे सब कुछ। तो गाइस अभी आपको हम खोल खोल के दिखाते हैं ये कैसा है। ये सॉरी कौन सा कलर, ये वाला ना, ये वाला वाइट कलर का है, ऐसे लॉक लगा हुआ है। और ये खुल के गया, और एक और ऐसे येलो खोलते हैं, खुल गया, ओ खुल गया। ये वाला ऐसे है, रेड खोले गया, रेड भी खुल गया, ब्लैक खोले गया, ब्लैक खुल जाओ सिम सिम, खुल जाओ सिम सिम। देखो सारे कलर खुल गए, बस ये रह रहा है खोलो।
कौन सा ये येलो का है, येलो ये रहा ये रहा, ये खुल गया येलो भी। ये देखो सारे कलर दिखाते हैं क्लिक करके। ये है हमारा वाइट, ये है हमारा ऑरेंज, ओके कहते हैं येलो, ये है हमारा ग्रीन, ये हमारा रेड, ये हमारा ब्लैक, और ये हम ब्लू को ब्लू कहते हैं, ब्लू ये रहा। सारे कलर ऐसे हैं और इसके भी ऐसे ही खुलते हैं जैसे मैंने आपको सब के खोल के दिखाए, ये भी ऐसे खुलते हैं। इसके अंदर भी है शेडिंग सब के अंदर अच्छे अच्छे। सबसे अच्छा मुझे इसके अंदर से पिंक लगा, देखो सबसे जो डार्क पिंक है, पीछे से दिखाते देखो कितना डार्क पिंक है, सब कलर डार्क डार्क है, अच्छे लग रहे हैं ना। अभी मैंने इसको थोड़ा सा पेंट करके देखो, देखो कितना मस्त लग रहा है। वो गिर जाएंगे, बंद कर देते इसको, इसको बंद करते, दो मिनट रुक जाओ। ऐसे ऐसे करके दो, ऐसे ऐसे करके दो, ऐसे ये बंद हो गया ना। अब ये बंद हो गया है, इसकी तरह हो गया। अब इसको भी खोल के दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है, देखते हैं इसको कैसा होगा। देख रहे हो वाव कितना अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ये ऐसे, ये भी खोल देती हूँ, ये ऐसे। ये वाइट कलर है इसीलिए, रुको उसको भी खोल के दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना सबके सामने, सब ऐसे ऐसे खोल देते हैं। अब देखिए कितना अच्छी शीट है ना। अब देखो ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, ये डार्क डार्क। आप जाओ वो कितना सारा करने चलता रहता, कुछ नहीं होता अच्छा भैया। सच सच देखो हम कोई सा भी अब करना होगा, कोई सा भी कलर कर लो, मैं अब ज़्यादा कर ड्राइंग खिलाऊँगी, दिखाऊँगी ड्राइंग कैसे कैसे करती हूँ, और इसके अंदर आप सब ये वाले कलर लगाऊँगी। ये अलग सबसे अच्छे लग रहा है मुझे, देख लो। अब मैं बनाऊँगी ना कल, देख लो गणपति बाबा जी बनाऊँगी तो उसकी वीडियो दिखाऊँगी आपको, और सारे जैसे बाबा की पैर बनाऊंगी तो मैं जब आपको दिखाऊंगी उसकी शेडिंग कैसे करूंगी और उसमें कौन सा कलर लगा सकते हैं और सब कुछ दिखाएंगे। फेस में बताती हूँ, मेरे फेस में ये वाला लगेगा और सब में कोई सा भी लगा देंगे हम, बल्कि ये लगाएंगे ज़रूर सब में ये और ये लगाएंगे, ये सबसे अच्छे लग रहे हैं। और पिंक तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, कुछ भी हो जाए पिंक के बहुत अच्छा पिंक है दिखाती थी। मेरी मम्मी देखेगी ना तो बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि इसके अंदर ना मम्मी के सारे सामान है। देखिए मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक एक कलर करके मिक्स करेंगे। मुझे सबसे अच्छा लगता है ब्लैक, पहले हम करेंगे ब्लैक। ब्लैक करेंगे फिर ब्लैक के बाद करेंगे वाइट, देखो। मम्मी गुस्सा करेगी तो पता नहीं चलेगा भाई। अब बंद कर लेते, अब ज़्यादा ही हो गया है, अब मैं इसको बंद करी थी। मैंने ब्राउन तो ट्राई नहीं करवाया आपको, ब्राउन ट्राई करवाते हैं। ब्राउन ऐसा है, ब्राउन के बाद ऐसे जो मैं लगवाऊंगी गणपति बाबा के पास। और इसने तो सिर्फ कुछ शेड ही तैयार दिखाई नहीं, पिंक दिखा दे। वाओ पिंक अच्छा लग रहा है, इसके साथ अलग कलर बन गया। अभी तो काम हो जाता गिरने वाला था।
बंद हो गया। तो गाइस आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो ब्लॉग को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, गुड बाय। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे, मज़ा आएगा। टाटा बाय, नेक्स्ट।